नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपनी अपनी राज्य सरकारों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन कर रहे होंगे, क्योंकि यही दिशा निर्देश से ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, अभी मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जैसे कि मैं ये देख रहा था कि लॉकडाउन पीरियड में कि जैसे बहुत सारे लोग की वो आ रहे थे कि हमारे सपने रिपीट हो रहे हैं, हमारा टाइम नहीं कट रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, वो दिखा रहा है कि बार बार झाड़ू मार रहा है, कोई दिन भर एक ही दरवाजे को बार बार खोल रहा है, बंद कर रहा है। तो जस्ट फनी वीडियो बना रहा है। तो कुल मिला के ये है कि हमारा टाइम नहीं कट रहा है। तो मैंने यहाँ तक भी देखा कि न्यूज़ में मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग इस स्थिति में भी आ गए, वो बीमार पड़ने लगे। काफ़ी सारे लोग मनोचिकित्सक की भी सलाह ले रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो भी हमारे कोरोना वॉरियर हैं वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ मास्क बना रहे हैं, सैनिटाइजर बना रहे हैं, पीपी किट बना रहे हैं। यहाँ तक कि दिन भर रात भर अपनी ड्यूटी के साथ साथ वो लोग सड़कों पे घूम घूम के जो भूखे लोग हैं उन उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ तक कि खाना बना के भी खुद लेके जा रहे हैं, उनकी फैमिली खाना बना रहे हैं। वो लोग अपनी ड्यूटी के साथ साथ हमारे इस आराम का बोझ भी वो लोग उठा रहे हैं। बहुत दुख होता है, ये उन लोगों के साथ कहाँ की नाइंसाफी है कि हम लोग घर में 16-16 घंटे आराम से आराम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारा टाइम नहीं कट रहा है। क्या किसी को थोड़ा सा भी दुख नहीं होता उनको देख के? वो लोग एक शब्द भी नहीं बोलते हैं कि यार तुम लोग ये कर लो। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी समझ के, एक देश की सेवा समझ के चुपचाप अपने काम में जुटे हुए हैं। वो किसके लिए? सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए। तो दोस्तों, मेरा सभी से आग्रह है कि प्लीज़ इस टाइम का यूटिलाइज करें, इस टाइम को वेस्ट ना करें, जिससे जो हो सकता है तन से मन से धन से देश की सेवा करें, अपनी सेवा करें। अगर हर बंदा सिर्फ अपने बारे में सोच ले, अपने फिजिकल के बारे में सोच ले, अपनी हेल्थ के बारे में सोच ले, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोच ले, तो आई थिंक देश एक दूसरे को देश के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम सब स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। तो मेरा ये आग्रह है, इस टाइम का यूटिलाइज करें। कैसे करें उसके लिए? एक तो सबसे पहले ये कि हम अपनी दिनचर्या को बिल्कुल भी चेंज न करें। जैसे हम आज तक, सपोज कोई ऑफिस वाला है, सुबह उठता था, अपने टाइम से उठें, सुबह जो आपकी दिनचर्या थी, सुबह थोड़ा सा फिजिकली योगा एक्सरसाइज वगैरह जो भी करना है वो करें, अपने खाने का टाइम वही रखें। दिन में जो ऑफिस का टाइम था उसको, उस टाइम को एज इट इज घर में कुछ टाइम कुछ वर्क करें। सोने का टाइम अपना नियमित वही रखें। इससे क्या होगा? एक तो आप लोग स्वस्थ होंगे और अगर कुछ काम करेंगे तो ऑब्वियसली उसका कुछ आउटपुट भी जरूर मिलेगा। काम करने के लिए ये देखा मैंने, जैसे जैसे किसी के पास खेती है, वो छोटे मोटी अपने घर के आसपास ही खेती कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। किसी के पास छोटे से बालकनी में जगह है, बालकनी में ही कुछ मिट्टी के गमले हो गए या थैला हो गया, उसमें मिट्टी भर के कुछ भी सब्जी वगैरह, टमाटर प्याज वगैरह जो भी उगा सकता है उगा सकता है। कोई घर में होममेड प्रोडक्ट बना सकता है, जैसे अचार हो गया, जैम हो गया, दाल बड़ी हो गया, चिप्स हो गया, या जो भी जिससे बन सकता है वो ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई जो भी जिस फील्ड में काम करता है, जिसको जिस फील्ड की नॉलेज है या जिस फील्ड का इंटरेस्ट है, वो अपने फील्ड में कुछ ना कुछ जो भी उसको लगता है कि मार्केट में इस चीज़ की नीड है, वो उस फील्ड में कुछ प्रोडक्ट बना सकता है, कुछ इनोवेशन कर सकता है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम का भी यूटिलाइजेशन होगा और जो भी आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे वो अपने आसपास किसी हेल्प कर सकते हैं, अपने आसपास अपने रिलेटिव में किसी को बेच सकते हैं, आसपास बेच सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ आमदनी मिलेगी और हो सकता है यही आमदनी
या यही जो आपने ये इनोवेशन किया, ये आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस भी कल के दिन बन बन सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने टाइम का भरपूर यूज़ करेंगे और सिर्फ हम सरकार के भरोसे ही या सरकार को ही ना कोसते रहें, कुछ हम खुद भी करके दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपने देश के लिए। और एक और गुजारिश है आप लोगों से, जिसने भी कुछ भी इसमें एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कृपया वो हमें वीडियो बना के भेजें। हो सकता है वो वीडियो हम दो और लोगों को भेजें, उनको भी उससे कुछ प्रेरणा मिले। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।